इस प्रकार को होता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ से टेबल से क्या होता है पता नहीं है, माचिस होता है क्या होता है पता नहीं, उठा लिया पूरा मार्क्स, हेलमेट पता नहीं चल रहा। ये यहाँ से निकला दे, देखो वो निकल गया, ये इधर जा रहा है गैरेज का साइड में। स्कूटी पकड़ा है तू, ब्लैक पूरा ब्लैक स्कूटी भी ब्लैक। मेरा दोस्त अभी देखो बुद्धू अभी तक ना आगे पैसा बोल रहे। काम था क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाना है हमको, एंड यह पुलिस स्टेशन जाने के लिए भी आजकल, और बाद में इसके बाद गंगा भी निकलेगा, और गंगा जाने के लिए आजकल क्या क्या हो गया दिखाएगा आप लोगों को कितना प्रॉब्लम है गंगा जाने में। सो पुलिस स्टेशन में जाके अपना डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेगा एंड देखेगा कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट कब तक बनता है हमारा। सामान तो ले लिया अपना जितना लेना था, वैसे पुलिस स्टेशन के उस तरफ में नो एंट्री है, लेकिन पुलिस स्टेशन जाएगा बोलेगा तो क्या बोलेगा। रास्ता भी एकदम गड्ढो बड़ा, सो वी आर हियर। सो दिस इज द, पहले यहाँ से हम लोग बैंक तिनेली निकल जाता था, लेकिन अभी आगे में अंडरपास बना रहा है तो वहाँ से नहीं निकल सकते। चलो अभी ऑफिसर इंचार्ज को मिलना पड़ेगा, लेकिन हम कैमरा ऑफ कर देगा जैसे पुलिस स्टेशन का अंदर जाएगा, सो आई वॉन्ट बी शूटिंग इन साइड। फिलहाल फटाफट अपना कागज लेके जाता है, सबमिट कर देता है, एंड लेट्स सी कि कब तक हमको देगा। ओके सो आई हैव सबमिटेड माय पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जो चीज़ ज़रूरत पड़ता है वो हम सबमिट कर दिया है, एंड आई एम लीविंग फॉर तोदक्स कार वॉश राइट नाउ। एंड द थिंग इज दे टोल्ड मी कि थोड़ा समय लगेगा, दे विल कॉल मी। सो या ड्यूटी ऑफिसर वॉज वेरी जेंटल, मिस्टर मोनम सर थैंक यू सो मच फॉर एड्रेसिंग टू विथ वेरी सिंसियरली। बहुत ही डिसेंट वे में हमको एड्रेस किया है, एंड इवन द क्राइम ब्रांच का जो पीपल था वो लोग भी, कैमरा तो शूट नहीं कर सकते बट यू हैव टू बिलीव माई वर्ड्स। सो या आई था पुलिस स्टेशन में, हम हमेशा सोचते थे कि इट विल बी काइंड ऑफ यू नो, थोड़ा मूवीज वूवीज में देखते हैं ना थोड़ा डरावना लगता है जगह को, बट हियर आई थिंक अच्छा था, लाइक एक्सपीरियंस वॉज लाइक इट्स जस्ट नॉर्मल ऑफिस अनलेस यू आर अ क्रिमिनल। सो यहाँ से हम लोग गंगा निकलते हैं, उस दिन में मैं ओवरटेक करने के लिए गया था तो आगे से पुलिस का गाड़ी आ रहा था, एंड आई वॉज अबाउट टू हिट दैट बट आई मीन लर्नर लाइसेंस ना। सो आई थिंक दैट्स द थिंग, दिस इज हाउ पीपल डू मोटो ब्लॉगिंग। लेकिन मोटो ब्लॉगिंग में एक मजा है, यू डोंट हैव टू शो योर फेस ऑल द टाइम ना, सुपर इजी, एक जगह में चुपचाप माउंट कर दो एंड जस्ट कीप ऑन टॉकिंग। और हमारी गाड़ी है सिग्नस सीआर VS6, तो हम लेस पोल्यूशन पैदा करते हैं कंपेयर टू द VS4 वेरिएंट, समझे। तो हाईवे तो बन रहा है लेकिन अंदर का जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी नेटवर्क वो थोड़ा सा पुअर है, लाइक ये तो कम से कम ठीक ही है, कोई कोई एरिया से इतना ख़राब है, लाइक लिटरली देर यू कैन लिटरली से कि वहाँ पे रोड ही नहीं है, ऐसा है। जिंदगी की चहल पहल हमारे जो पहियों में क्या नहीं, लेकिन इतने रूल का आई डोंट थिंक ये लोग फॉलो करता है, उल्टा बुलटा है हमें तो कोई। हम एवरी डे मोटर ब्लॉगिंग करने से तो यू सो मैनी रेकलेस ड्राइवर्स हियर। वो
मतलब ऐसा है कि राइट साइड से जाएगा सोचते हैं ना, लेकिन राइट साइड ख़राब होता है, फिर कभी लेफ्ट साइड ख़राब होता है, नॉट एन्जॉयबल राइड हो जाता है। ये ना स्कूटी का एक चीज़ अच्छा है पता है, ये फाइव सेकेंड जैसा अगर आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो ना ऑटोमेटिकली इग्निशन को स्टैंड बाई मोड में रख देते हैं, जो कि बहुत अच्छा है फ्यूल एफिशिएंसी के लिए, इससे आपका फ्यूल कंजम्पशन थोड़ा कम हो जाता है। इंडिकेशन भी नहीं दिया है तो कि वो बाइक जो आगे जा रहा था, एटलीस्ट इंडिकेशन दिया करो भाई लोग। रास्ता एक्चुअली बड़ा है बट द थिंग इज पार्किंग ही पूरा स्पेस खा देते हैं। आरके मिशन का ऑपोजिट साइड, आरके मिशन का ऑपोजिट साइड बोले तो किधर होगा? Spent my last cent on cheese and champagne. What a wonderful morning. Never mind, she declined to the first date. It was only on my birthday. Never mind all the lines on the highway. Give me time to reflect a bit, cause indoor plants hi kya na? Kaun sa hai pata nahi humko. Sab indoor hai. I'm just having a good day. Having a good day, having a real good morning. Real good morning. Real good morning. I guess that things can only get better from here. But sometimes I wonder, I might have met the love of my life. Huh? आप देख लिया कहाँ से ग्रीन कैसल जाता है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट द प्लांट ओवर देयर। सो दैट्स व्हेन माय बैटरी वेंट ऑफ और उसके बाद मैं शूट नहीं कर पाया बिकॉज बैटरी ही नहीं था, आई ओनली हैड वन बैटरी। सो एनीबॉडी हु इज़ यूजिंग गोप्रो एज देयर प्राइमरी ब्लॉगिंग कैमरा तो आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू यूज़ एटलीस्ट टू, बिकॉज जब आप 4K में शूट करता है तो उसमें बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होता है। बट एनीवेज रिगार्डिंग द पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन यू हैव टू वेरीफाई योर कम्युनिकेशन एड्रेस या फिर योर क्रिमिनल बैकग्राउंड फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पोजेस, और या फिर आपको अगर कोई प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो तो अगर उनका रिक्वायरमेंट होता है तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाना पड़ता है। सो दैट्स व्हाट आई वेंट टू डू एंड आई होप दैट वेंट इन टू योर माइंड। ये सभी का लाइफ में एक फेज आता है जब आपको ये बनाना पड़ता है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थोड़ा सा काम आया होगा। एंड या दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग डू ड्रॉप ए थम्स अप, एंड अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो डिसलाइक मार देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। आपको जैसा आपका जो दिल में आया वो करके जाना, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन माई कमेंट सेक्शन। टिल देन गुड बाय एंड सायोनारा, आई विल सी यू अप इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। टाटा।